पर्वतों का किशन देवरूपी हिमाला, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, भूमि पर जय बाबा केदार। हम आ गए हैं हरिद्वार के एक क्षेत्र कनखल में। कनखल वो स्थान जहाँ दक्ष ने शिव को चढ़ाने के लिए यज्ञ किया था, जिसमें शिव को आदर नहीं दिया गया था और माता सती ने दाह कर लिया था। आज 11 अक्टूबर का रात्रि विश्राम कनखल में ही तय है, जहाँ एक महात्मा जी सोमानंद जी ने हमें यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाया था और आज उनके अतिथि के रूप में हम हैं। आइए दक्ष मंदिर में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करें। हर हर महादेव। बोलिए पशुपति नाथ भगवान की जय। ये जगत सारा दुखों की नगरी, ये जगत सारा दुखों की नगरी, रोग मृत्यु जरा रोग भारी, रोग ये जगत सारा दुखों की नगरी, रोग मृत्यु जरा रोग भारी, रोग मृत्यु जरा रोग भारी। ये दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ दक्ष ने शिव जी को चिढ़ाने के लिए प्रजापति आसव यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था और शिव का अपमान देख करके भगवती सती माता ने अपना आत्मदाह कर लिया था। ये वही पुण्य स्थान सती माता के दाह के बाद जो दृश्य बना था उसको किसी शिल्पकार ने प्रतिमूर्ति
रोग मृत्यु जरा रोग भारी, रोग मृत्यु जरा रोग भारी। विश्वनाथे जगत के हैं झूठे, शिव की सामास पर्वत कुमारी। विश्वनाथे जगत के हैं झूठे, शिव की सामास पर्वत कुमारी। आ गया मैं शरण में तुम्हारी, आ गया मैं शरण में तुम्हारी। दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव के अलावा सभी देवताओं को बुलाया था और ब्रह्मेश्वर, नारायणेश्वर आदि सभी देवताओं के श्री विग्रह यहाँ शिवलिंग के रूप में और ये गंगा मैया की पावन धारा इस क्षेत्र को पवित्र करते हुए कनखल में माँ गंगा, जय गंगा मैया। यहाँ एक बोर्ड दिखा, वहाँ इस मंदिर के विषय में जानकारी लिखी हुई है और लिखा हुआ है ये मंदिर विश्व के अद्वितीय मंदिरों में प्रथम है। ये शिव जी की ससुराल है। राजा दक्ष जो ब्रह्मा पुत्र हैं, प्रथम राजा की पुत्री सती थी। दुनिया में स्थित सभी शक्ति पीठों का ये उद्गम स्थल है। यहाँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल, जहाँ भगवान आशुतोष ने स्वयं दक्ष का मस्तक शरीर से अलग होने के बाद उनके कटे हुए धड़ में ही स्थित हुए और राजा दक्ष को बकरे का मस्तक जोड़कर पुनर्जीवन दिया एवं वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारे इस कटे हुए धड़ में स्थित रहूँगा और आपके ही नाम अर्थात दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाऊँगा। दक्षेश्वर के दरबार में गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी भी विराजमान है और मान्यता है कि श्रावण में शिव अपने ससुराल में ही रहते हैं। ये यहाँ जानकारी इस मंदिर के विषय में। हर हर महादेव। कल्प वृक्ष लगा हुआ है यहाँ आश्रम के अंदर का दृश्य। ये पंचदश नामी अखाड़े का ये स्थान और ये चंद्रेश्वर भगवान का मंदिर, यज्ञशाला। इस बार केदारनाथ यात्रा के संदर्भ में बड़ा सुखद एक आग्रह मिला महाराज सोमानंद जी के द्वारा, जो गुड़ा फार्म पे नवरात्र आराधना के साथ में हमें मिले थे और उनके बहुत पुरजोर आग्रह के बाद में जाते समय से भी वो कह रहे थे कि आप पधारना आश्रम पे, लेकिन जाते समय किसी कारणवश नहीं आ पाए तो लौटते समय आए। और उनके भी गुरुदेव सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी राजेश्वरानंद जी, राजेंद्रानंद जी।
राजेंद्र आनंद जी, हमें यहाँ उनका साया नित्य पा करके हम धन्य हो गए। बहुत ही अच्छा उनका यहाँ आतिथ्य रहा। और मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहूँगा कि दो शब्द उपदेश स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप कहें। देखिए, हम जब किसी शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्ति स्वयं नहीं आती, किसी ना किसी को माध्यम बना देती है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं, याद को उल्टा करके लिखते हैं तो दया, दया जब होती है उनकी दया, फिर सोचते हैं किसी का भला, भले को भी उल्टा करके लिखते हैं तो लाभ। क्या बात, ऐसे हर एक चीज के कई कई पहलू होते हैं, प्राणी जान नहीं पाता। हम सब समय का इंतजार करते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये हमारे गुरुदेव, बड़ा अच्छा लगा आपके दर्शन पा करके और आशीर्वाद बना रहे। जय गंगा भाई। शिवांश, क्या बात है, क्या कर रहे हो, दिख रहा है शिवांश, दिख रहा है क्या इसमें? ये कौन है? ये नहीं यार, दिख रहा है तुझे, तो देखता ही नहीं है। क्या नाम है? मोहित जी। मोहित जी सर ने शक्ति का अवतार देखा, शांत शक्ति का अवतार देखा। आधे नर और आधे नारी, शिव में शक्ति का अवतार देखा, शक्ति का अवतार देखा। हे पिता आपकी आशीषों में, आपकी आशीषों में, माता ममता मई यार देखा, पिता आपकी आशीषों में, माता ममता मई यार देखा। आप से ही है हस्ती हमारी, आप से ही है हस्ती हमारी।